नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2022, यानी कि आज आपका नया वर्ष शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष में हमें क्या मिला क्या नहीं मिला वो बात अब पुरानी थी। अगले वर्ष में हमें क्या करना है वो अब हमारे सामने है। उम्मीद है कि ये साल हम सभी के लिए अच्छा हो और हमारी जो भी आशाएँ हों, उम्मीदें हों, वो सब इस वर्ष जो है पूरी हों। तो दोस्तों, शुभकामना संदेश के साथ मैं एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए, निश्चित तौर पर जो है आपको इससे प्रेरणा मिलेगी और आप जरूर मोटिवेट होंगे। तो एक कविता जो है आपके लिए, नए वर्ष के लिए जो है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा ये लिखा गया कविता है। तो ध्यान सुनिएगा कि इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को बहलाने वाली बेबस बेहोशी हो। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को बहलाने वाली बेबस बेहोशी हो। इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखे हों। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा हो, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा हो, ये साल अगर हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा हो। ये साल हमारे हिम्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा, ये साल हमारे हिम्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा, ये साल हमारे किस्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा। ये साल हमारे हिम्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा, ये साल हमारे किस्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा। अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सकें, अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सकें, तो मुमकिन है हम सब में इस साल ही सूरज झांकेगा, तो दोस्तों, इस वर्ष में जो है आप अपने आप को ये मानिए कि हमारे अंदर नई ऊर्जा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और जो भी आपका लक्ष्य है आप उसके तरफ प्रयास करते रहिए। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, क्योंकि हर वर्ष नया होता है, हर वर्ष का प्रयास नया होगा, लेकिन आप जो है कभी हिम्मत मत हारिए और लगातार अपना प्रयास करते रहिए। तो इसी के साथ हम आपको फिर से 2022 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं हो आप उसको पूरा करें और अपने परिवार के जो है सहयोग जो है आप लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।